सो वेलकम बैक डेक्सना, मैं स्वागत है तुम लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो अगर आज के हमारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों के चैनल ब्रांडिंग को रेट करने वाला हूँ। तो चलो बिना इस देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो अभी भी देर नहीं हुई है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, बस तुम्हारा पार्टिसिपेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट है सेरेनम। तो भाई देखो, इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैनर तो नहीं बनाया, बट मुझे लग रहा है और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे 4/10 रेटिंग देना चाहूँगा। और अगला कंटेस्टेंट है पोके ऑल टाइम। इसका बैनर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, बस मैंने इसीलिए इसे 4/10 रेटिंग दी है। हालांकि इसका लोगो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पोके शिक्षा को मैं देना चाहूँगा 2/10 रेटिंग, क्योंकि इसका लोगो तब भी बेटर लग रहा है, बट बैनर तो भाई इसने कुछ किया ही नहीं है, बस टेक्स्ट डाल दिया बैनर पे, हो गया। एनीजन का बैनर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसका लोगो भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, दोनों मैचिंग मैचिंग है और साथ में काफ़ी कूल भी लग रहे हैं दोनों एक साथ, और फॉन्ट का इसने काफ़ी अच्छा यूज़ भी किया है। अगला कंटेस्टेंट है हमारा सुपर ब्लेड हिंदी। इसका लोगो बैनर दोनों काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, बस दिक्कत इतनी है कि ऊपर थोड़ा पर्पल कलर का शेड आ रहा है और लोगो में थोड़ा रेड कलर का शेड आ रहा है, अगर दोनों सेम होते तो और बढ़िया लगता। पोकेवर्स लैंड को मैं देना चाहूँगा 4/10 रेटिंग, क्योंकि इसने काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं की हैं और ये कर सकता था, बट इसे आई गेस इसे नहीं पता होंगी। एनी डेंजी को मैं देना चाहूँगा 6/10 रेटिंग। इसका बैनर देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस दिक्कत इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या लिखा और कहाँ कौन सा कैरेक्टर है। एडफैक्ट न्यूज़ को मैं देना चाहूँगा 8/10 रेटिंग। इसका बैनर काफ़ी ज़्यादा क्लीन और ऑसम लग रहा है, इसके बैनर की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और लोगो इसका इम्प्रूव किया जा सकता था और थोड़ा सा। ओमेगा रेक्स को मैं देना चाहूँगा 3/10 रेटिंग, क्योंकि इसका लोगो और बैनर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसने बस बैनर में टेक्स्ट डाल दिया है और लोगो में भी बस टेक्स्ट ही डाला है और 2-3 इमेजेस डाल दिए हैं बैनर वगैरह में। पोकी बडी को मैं देना चाहूँगा 4/10 रेटिंग, क्योंकि इसने भी अपने बैनर में ज़्यादा कुछ नहीं किया, अगर फॉन्ट थोड़ा और बढ़िया हो जाता तो मैं इसे और रेटिंग दे सकता था, हालांकि लोगो तो काफ़ी बेटर है बैनर से। पॉकेट पेयर ऑफिशियल को मैं देना चाहूँगा 5/10 रेटिंग, क्योंकि इसने देखो बैनर काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना है और लोगो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगर फॉन्ट और थोड़ा और एडिटिंग यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा इसका बैनर बन सकता था। स्काई पॉकेटीवर को मैं देना चाहूँगा 7/10 रेटिंग, क्योंकि इसका लोगो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट इसका बैनर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और साथ ही में इसने काफ़ी अच्छा फॉन्ट भी यूज़ किया जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। IMAX टी को मैं देना चाहूँगा 9/10 रेटिंग। इसका बैनर और लोगो सब एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या बताऊँ गाइस, ये अभी तक का बेस्ट बैनर है। 6/10 रेटिंग देना मैं चाहूँगा हेलो चैटर को, क्योंकि गाइस इसका बैनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने से, और उसके लोगों तो इसने खुद ही डिजाइन किया तो वो भी बढ़िया लग रहा है। पोके आदमी को मैं देना चाहूँगा 7/10 रेटिंग, क्योंकि इसका लोगो और बैनर काफ़ी एक साथ अच्छे लग रहे हैं और फॉन्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है बैनर पर। तो हाँ गाइस, हमारी छोटी सी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि इस राउंड में अभी एलिमिनेशन नहीं है, एलिमिनेशन मैं आगे के राउंड्स में रखने वाला हूँ, तो तुम लोगों को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो, तब तक ले बाय बाय।